महज 24 घंटे में दुर्गम क्षेत्र मुंगेर जिले के टीका रामपुर दियारा से अफिरते LIC एजेंट परवीन कुमार रंजन को सकुशल बरामद कर लिया है। मौके पर पुलिस ने 3 अपहर्ताओं को भी धर दबोचा। पुलिस की इस सक्रियता से अफरीत की जान बच गई। अगर पुलिस सक्रियता नहीं दिखाती तो इससे उनकी जान भी जा सकती थी। बता दें कि अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के लिए उनसे 7 लाख की रकम मांगी थी। कहा जा रहा है कि फर्जी पॉलिसी की रकम की राशि बांटने को लेकर रिश्ते के भाई ने ही उनका अपहरण किया था। इस बाबत 22 जनवरी को अपहृत परवीन कुमार रंजन की पत्नी विभा देवी ने महेशखुर थाने में पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर अभियान SSP राजकुमार राज के नेतृत्व में गोगरी SDPO प्रमोद कुमार झा, महेशखुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा सहित कई थानों की पुलिस टीम गठित कर टीकारामपुर दियारा क्षेत्र में छापेमारी किया गया। इसके तहत पुलिस ने टीकारामपुर दियारा से LIC एजेंट को सकुशल बरामद किया। साथ ही डेथ क्लेम फर्जी गिरोह में काम कर रहे व्यक्ति महेशखुर के संजय चौरसिया व तैलोज के सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं इस गिरोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले LIC एजेंट को परवीन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया तथा जांच बिंदु के आधार पर कई सदस्यों को गिरफ्तार किया जाना है। सन्मार्ग के लिए खगड़िया से चंदन कुमार की रिपोर्ट। कल महेशखुर थाना में एक कंप्लेन दिया गया। महिला है विभा कुमारी, पति प्रवीण कुमार रंजन गौछारी की रहने वाली है। इनके द्वारा एक कंप्लेंट कल दिया गया महेशखुर थाना अध्यक्ष को कि इनके पति परसों शाम में निकले थे अपने एक रिश्ते के भाई हैं बलराम कुमार के साथ, और बाद में इन्होंने प्रयास किया जब अपने पति से संपर्क करने का, तो इनके पति से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। और कल सवेरे से इनके पति के ही नंबर से इनको फ़ोन आया कि 7 लाख रुपए की व्यवस्था करो और लेकर मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में टीकारामपुर दियारा है वहाँ पर पहुँचने के लिए कहा गया 7 लाख की राशि के साथ, और तभी इनकी जान बचेगी। इस तरह की रैंसम की कॉल आई थी, तो चूँकि इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों के पास थी वो काफ़ी सेंसिटिव थी, एक व्यक्ति की जान थी जो दाव पे लगी हुई थी, तो तत्काल ही हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और तकनीकी सर्वेलांस का सहायता लेते हुए जो नंबर से कॉल आ रहे थे उसको ट्रैक करते हुए एक टीम गठित की गई SP ऑपरेशंस के नेतृत्व में, जिसमें दोनों ही SDPO हमारे थे और कई थानों के थानाध्यक्ष थे। और इन लोगों ने जाकर टीकारामपुर दियारा में बिल्कुल कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी किया। पुलिस के पहुंचने की खबर के साथ अपराधी वहां से फरार हो गए इनको छोड़ते हुए वहां से, तो सकुशल पुलिस ने इनको टीकारामपुर दियारा से बरामद किया है। अभी जो ये जो पूरा प्रकरण था इसके पीछे जो कारण सामने आ रहा है कि जो अपहृत है वो एक LIC एजेंट है, और ये लोग क्या करते हैं कि मृतक का जो व्यक्ति मर चुका है या जो निकट भविष्य में मरने वाला है, यानी गंभीर बीमारी से पीड़ित है अगर कोई व्यक्ति, उन सब का ये लोग इंश्योरेंस करते हैं, फर्जी तरीके से करते हैं, उसमें कई सारा फर्जीवाड़ा शामिल है, और बाद में कुछ अरसे के बाद उसका डेथ क्लेम लेते हैं और उसको आपस में शेयर करते हैं। तो ये पूरा कॉकस ये लोग चला रहे थे, उसी में राशि के लेन देन को लेकर आपस में इन लोग का विवाद हुआ, जिसकी वजह से ये पूरा प्रकरण। तो जो एजेंट थे उन्हीं का अपहरण हुआ था? हाँ, पैसे के लेन देन के लिए। हाँ, क्या नाम था जो जिनका अपहरण हुआ था? जिनका अपहरण हुआ उनका नाम है प्रवीण कुमार रंजन, सन ऑफ स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण प्रसाद, ये गौछारी के रहने वाले हैं। इसमें अभी जो है फिलहाल एक तो जो इनको लेकर गए थे जो मुख्य कहे लाइनर कहें इस केस का बलराम कुमार, उसकी गिरफ्तारी कल ही की गई है। और उसके अतिरिक्त जो ये LIC का जो फर्जीवाड़ा वाला मामला है उस पर सेपरेट हम लोग केस रजिस्टर करके उस पर जाँच कर रहे हैं, उसमें अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी रेड्स अभी कंडक्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट इलाके में। सनमार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।